तो है गाइस व्हाट्सअप, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सीरीज़ को एंड करने का वक्त आ गया है। अभी हमारा रिटर्न जाने का टाइम है और गोवा को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। हाँ, तो ये था हमारा कल का स्टे। लास्ट नाइट इधर थी हमारी और पार्किंग वगैरह का पूरा सॉर्टेड था। इधर फ्यूरी देखो क्या दिख रही है, बट बहुत गंदी हो गई है। पहले यहाँ पर आकर इसका डिटेल वॉश कराऊँगा मैं, ताकि एक बार सॉर्टेड हो जाए। तो अभी निकल रहा हूँ, बस सब बैक लोड अपना हो गया है, बस ये बैग को टाई करना है। और सबसे मेन काम ये मुझे यहाँ पे लोकल में यही एक मिला था, तो इसको यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बाइक का रनिंग तो बहुत अच्छा खासा हो गया है। पहले ये लगा देता हूँ। सो चलो फिलहाल अभी इधर से निकलता हूँ, बाइक फ्यूल अप करता हूँ और अभी सीधा नॉन स्टॉप मुंबई। तो चलो बाय बाय गोवा, ऑल सेट, बाय बाय। ऑल राइट, तो चलो सब सेट हो गया, निकलने का टाइम हो गया अभी अपना। मस्त आज नींद पूरी करके निकला हूँ। बाकी मैं सोचा था अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाऊँगा, ताकि मुंबई पहुँचने में ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग 12-13 घंटे दिखा रहे हैं यहाँ पे। बट मैं बोला कि नहीं यार, कल बहुत घूम चुका हूँ मैं, तो बॉडी को थोड़ा आराम मिलना ज़रूरी है। तो पहले मस्त नहाया, सो गया, एक लंबी नींद पूरी किया और अभी निकल गया हूँ। लोकल गोवा से अभी बाहर मेन हाईवे पे है, मापुसा से निकल चुका हूँ अभी। इधर से 47 किलोमीटर सावंतवाड़ी दिख रही है। मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि तो रात के 10-11 बज सकते हैं, अभी 11 बज रहे हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 500 किलोमीटर के आसपास है। इम्पोर्टेंट काम, पहले इसकी भूख भगा लो, क्योंकि इसकी भूख ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको फुल कर लेता हूँ। ये गोवा में लास्ट हमारा फ्यूल अप रहेगा, इसके बाद तो डायरेक्ट अभी महाराष्ट्र के बीच में होगा। दादा सातारा, सातारा सरळ ते रत्नागिरीचा रोड नाही लागणार ना? नाही, आम्हाला सातारा रोड ने जायचं आहे। पुणे सातारा? हां पुणे सातारा। आंबोली वरना जावं लागेल? आंबोलीचा रस्ता पुढेच आहे, पत्रादेवी काढून मग आंबोली येणार। आंबोलीतनं मग जायचं, आजरा रस्ता आहे सातारा। आंबोली घाट लागणार आहे का मध्ये? ठीक आहे, थँक्यू दादा। ब्रिज बने हैं ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है रोड। ये मेरे को हल्का फुल्का रोड याद आ रहा है, क्योंकि लगभग मैं भी 1-2 साल पहले ही आया था इधर। दो साल पहले ही आया था, मेरे को रोड तो याद आ रहा है वो, बट ये ब्रिज की वजह से समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टर्न किधर है एग्जैक्टली। पात्रा देवी, अभी काका ने तो इधर ही किधर से बताया है कि आगे जाके राइट है अम्बोली से, वो तो मुझे भी याद है अम्बोली घाट लगेगा ही मुझे, बट मैप में 3-4 अलग अलग रास्ते दिखा रहा है। लैंड में एक ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। मैं जाने वाला था अम्बोली घाट से, बट मैप में एक नया रास्ता में दिखा, जो पूरा हाईवे ये देख रहे हो आप लोग, कैसा मस्त हाईवे ये, और ये डायरेक्ट मेरे को कनेक्ट करेगा सातारा में, तो अम्बोली घाट नहीं मारना पड़ेगा इससे मुझे। और इधर मैं स्पीड भी अच्छी मेंटेन कर पाऊँगा, तो मैंने सोचा कि अम्बोली घाट करने से अच्छा है डायरेक्ट ये रूट ले लेते हैं, कि मैं तो फर्स्ट टाइम ये रूट से जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। मैप पवा के भरोसे हम चल रहे हैं, देखते हैं अब ये कितने सही होते हैं। पर इतना है कि ये रोड से स्पीड अच्छी मेंटेन हो रही है, 80-90 से आराम से चल रहा हूँ, तो स्पीड का कोई इशू नहीं रहेगा, ऐसे से डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। तो किलोमीटर अपडेट दे दूँ तो 11 बजे हम निकले थे, अभी हो रहा है 12:38, यानी कि 1:40 के अंदर 100 किलोमीटर का हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये रोड से आने का ये एक फ़ायदा था, मतलब ऑलमोस्ट चलो 1.25 घंटे में हमने 100 किलोमीटर कर लिए। तो अभी भी यहाँ से 410 किलोमीटर पनवेल दिखा रहा है।
मतलब और पौने तो 3 घंटा 3 और 6 घंटे का रास्ता है। अगर कंटिन्यू स्पीड रह रही है यही तो 6 घंटे का रास्ता है, और 6 घंटे के रास्ते में अभी समझ लो मेरे 2 ब्रेक हो जाएंगे, मतलब अभी एक ब्रेक लेने के हिसाब में हूँ क्योंकि बम बहुत दुख रहा है अभी, देखते हैं। या फिर ट्राई करता हूँ और एक सेंचुरी मार ही दूँ, एक और सेंचुरी मार दूँगा तो फिर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचेगा, मतलब आगे के लिए उतना कर। यहाँ पे 405 पनवेल दिखा रहा है के चक्कर में फंस गया यार आज, मुझे ही नहीं पता मैं किधर घूम रहा हूँ। ऐसा लग रहा है एक पल के लिए कि अगर वो रत्नागिरी वाला रोड ले लेता ना वो चल जाता एक बार। मैं भी बस सातारा इसलिए सोच के चला गया ये रोड अच्छा रहेगा क्योंकि रत्नागिरी का रोड आने के लिए मैंने देख लिया बहुत ख़राब है। बट अभी गूगल मैप मेरे को हाईवे छोड़ के ये किधर किधर से लेके जा रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी मैं लोकल से पूछते पूछते चल रहा है पे, क्योंकि यहाँ पे मैप ने साथ भी छोड़ दिया है, नेटवर्क नहीं आ रहा इधर। मैंने सोचा था मैं 2 बजे के टाइम पे हॉल्ट लूँगा, 3 घंटे के बाद एक हॉल्ट लूँगा, और हॉल तो छोड़ो यार पहले तो ऐसा सही ट्रैक पे आ जाओ यही नहीं लग रहा है। इधर तो रोड ही नहीं है पहली बात, मैं किधर जा रहा हूँ कुछ खबर नहीं है मुझे, बस चले जा रहा हूँ। ओप्स हो यार पहुँच जाओ। सीधी सीधी बात है मेन रोड पे चलना चाहिए, मैं कौन से रोड पे चल रहा हूँ देख लो, कौन से पहाड़ों के बीच में से एकदम जिधर रोड ही नहीं है ऐसी जगह से जा रहा हूँ मैं। देखता हूँ, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ना मेरी कोई मैप हेल्प कर पा रहा है ना मुझे खुद को रास्ता पता है, कुछ भी नहीं, बस जो मिल रहा है उनको पूछ पूछ के आगे चल रहा हूँ। इतना अंधाधुंध तो कभी नहीं निकला था मैं। और मेरे को अभी ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने सातारा का क्यों निकाला ये दिमाग में, मैं बस रोड अच्छा मिलेगा ये सोच कर निकला था, बट यहाँ पे रोड ही नहीं मिल रहा हम लोग को कि हम लोग किधर है। एक तो नेटवर्क नहीं चल रहा इधर, ये चैलेंजिंग होने वाली है राइड। अगर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर मैं इस रोड से जाता ना रत्नागिरी से तो मैं अभी तक बहुत आगे रहता, बट मैंने ये सोचा कि रत्नागिरी का रोड ख़राब है ये सोच के मैंने निकला था ये रोड पे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है क्यों सोचा मैंने ये, थोड़ा ख़राब रोड झेल लेता एटलीस्ट, श्योरिटी के साथ तो गाड़ी चला था। अभी ना मैं बाइक भगा पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मैं सही जा रहा हूँ। मुझे हर एक चौक पे आके फिर हर मैं ऐसे एरिया पे जिधर कन्फ्यूज़न हो रहा है उधर मैं रुक के पहले पूछ रहा हूँ। अभी डोंट नो ये कौन से घाट पे, मगर घाट है तो एक नंबर। किलोमीटर से पुणे मतलब 2.5 घंटा जैसे मैंने बताया मेरे स्पीड के हिसाब से, और ट्रैफिक अगर ये का मिल गया तो फिर क्या ही बोलूँ अभी। बट अगर 2.5 घंटे में मैं पुणे पहुंच जाता हूँ तो सॉर्टेड रहेगा मेरे, क्योंकि पुणे से फिर मैं अपने एरिया में 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाऊँगा। और अभी थोड़ी थकावट आने लगी है यार, क्योंकि ये बाइक पे राइड करना इजी नहीं है, आप लोगों को भी पालना है, ये पूरा स्पोर्टी पोस्चर है इसका तो इतना तो इजी नहीं है इस पे राइड करना, वो भी इतना लॉन्ग। बट शौक बड़ी चीज़ है।
फाइनली सातारा में हम अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी बाइक को भी पेट्रोल की ज़रूरत है और सातारा में आया तो सोच रहा हूँ पेड़े ले ही लूँ, तो यहाँ पे आगे पहले कुछ पेड़े ले लेता हूँ घर वालों के लिए और फिर आगे निकलते हैं। पहले टेस्ट कर लेता हूँ, अभी टेस्ट करने के लिए सब निकालना पड़ेगा। कैसे चलेगा का? 60 रुपए पाव का, 40 रुपए किलो, 1 किलो के 3 पाव किलो के। आणि हे वाले मलाई वाले 200 रुपए पाव है। चलो अभी इसकी भूख मिटाते। किधर है पेट्रोल? इधर डीजल डीजल डीजल। आगे 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 बाप रे, सामान कुछ ज्यादा ही हो गया। फुल कर दो। फिर से 106 रुपये। कोई बाइक फुल अब नहीं, अभी घर तक कोई लोड नहीं रहेगा, अभी सिर्फ जाना है। चलो 316 की रेंज आ गई है, मतलब आराम से अभी घर पहुंच जाऊंगा। बस ये थैली का कुछ करना चाहिए था, बैग पूरी फुल हो गई है मेरी। एक तो बैठ गई थैली, बट एक रह गई है बाहर। तो ये अभी पूरे ब्लॉग में ये पूरी ऐसी ही दिखने वाली है। अभी भी यहाँ से 105 किलोमीटर है लोनावाला। बस मैं और मैं अपनी बाइक, बस इतनी चीज़ बोल रहा हूँ, रुकना नहीं जब तक लोनावाला नहीं आता। एक बार लोनावाला में आके चाहिए तो ब्रेक ले लूँगा यार, बट लोनावाला तक तो रुकना नहीं है। अभी 7:15 हो रहे हैं, 6:45 के आसपास का टाइमिंग है। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं लोनावाला 105 किलोमीटर बता रहा है तो मैप के अकॉर्डिंग तो 2.5 घंटा बता रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये जाएगा 1.5 घंटा अगर ऐसे 80-90 से चल रहा हो तो। अभी तक तो रोड बहुत अच्छे से साथ दे रहा है, मतलब स्पीड की तरह कम नहीं करनी पड़ रही है, बस चले जा रहा हूँ। बट अभी हालत हो रही है यार, हाँ बस इसी चीज़ को लेकर परेशान था, ट्रैफिक। तो वैसे अभी खोपोली यहाँ से 80 किलोमीटर है, अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया अपना। 7:30 बज रहा है, एक्सपेक्टेड टाइम था मेरा, उस हिसाब से चल रहा। बस अभी ट्रैफिक मिल गया, अब तक बहुत सॉर्टेड चल रहा था। पुणे का ट्रैफिक मतलब भाई बेहिसाब, जैसा मुंबई का ट्रैफिक है वैसे पुणे हालत खराब कर देगा अभी ये ट्रैफिक। अरे बाइक के लाइन में ऑटो वाले आके ना अलग दिमाग खराब कर रहे हैं। Thank you.
ये रहा हमारा लोनावला का टोल, और अभी मैं यहाँ से लोनावला में एंटर कर रहा हूँ। इतनी गंदी ठंडी है ना, क्या बताऊँ तुम लोग को। हाँ मतलब पूरी हालत हो चुकी है ठंडी की वजह से, मेरा हाथ सुन पड़ चुका है। स्टिल मैंने अगर ग्लव्स वगैरह ये सब डाला हो फिर भी, और लोनावला में आने के बाद तो और ही ठंडी है इधर। हालत हो गई यार, ये लोनावला के साइन बोर्ड दिखने लग गए अपने मगनलाल चिक्की। हाँ मुंबई 95 किलोमीटर। अच्छा स्टेशन अभी बज रहे 9 बजे, मैं लोनावला में हूँ। हालत जान ले रही है, ठंडी जान ले लेगी यार, इतनी ठंडी है। ऊपर से मैं डिस्टेंस कवर करने के इसमें मैं स्पीड देख ही नहीं रहा हूँ। अभी लोनावला में एंटर किया तब जाके मैं 60-70 के नीचे आया हूँ, अदरवाइज पूरा हाईवे से मैं 90-100 पे ही चल रहा था। ऊपर से सबसे बड़ी गलती मेरी, मैंने ब्लैक वाइजर लाया था अपना, मैंने निकाल के रखा था क्लियर वाइजर, बट वो लेना भूल गया यार, वो एक सबसे बड़ी गलती हो गई। स्टिल फॉग लाइट की वजह से मतलब अच्छा खासा मेरे को विजन तो मिल रहा है, बट स्टिल यार अगर क्लियर वाइजर रहता तो और कॉन्फिडेंटली मतलब स्पीड मेंटेन कर पाता फिर मैं, बट चलो कोई नहीं, पूरा सफ़र तो तय कर लिया अभी, बस एक छोटा सा पैच बाकी लोनावला के बाद का। राइट सो फाइनली अपने शहर आ गया हो अपने एरिया में, और बहुत लंबी राइड रही यार, बहुत लंबी राइड रही है, बट पूरी मज़ा बोलते ना पूरा वसूल करके आया हो ये राइड को, और हाँ राइड ने भी मुझे अच्छे से वसूल करा के दी है ये चीज़, पूरा हालत करा के दी है वाली, बट मज़ा है। आई होप आप लोगों को भी ये सीरीज़ बहुत जो मैंने बनाई वो अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको इस सीरीज़ का अच्छा लगा, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि लॉन्ग राइड फिर से अगर प्लान करूँ तो कौन सी करूँ, प्लेसेस मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। और दैट्स इट गाइस, आपको मेरे आवाज़ से समझ रहा होगा कि अभी मेरी हालत बहुत डाउन है, बस 5 से 10 मिनट दूर हूँ मैं अपने घर से। तो इसी ब्लॉग को और इस सीरीज़ को यही एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।